नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 गणित विषय में अध्याय 6 करेंगे, जिसका नाम है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। इस अध्याय में हम गुणनखंड के विषय में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम गुणनखंड की अवधारणा को समझेंगे और जानेंगे। किसी भी संख्या के गुणनखंडों को ज्ञात करना सीखेंगे और यह भी जानेंगे कि गुणज और गुणनखंड में क्या संबंध है। इस अध्याय में हम इंद्रधनुष चार्ट विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। दी हुई संख्याओं के साझे गुणनखंड निकालना भी हम इस अध्याय में सीखेंगे। इसी अध्याय में बच्चों, गुणनखंड पेड़ के द्वारा गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम इस अध्याय में सीखेंगे। चलिए बच्चों, जल्दी से हम एक गतिविधि के द्वारा गुणनखंड की अवधारणा को समझते हैं। राधा के बगीचे में पौधे, यह हमारी गतिविधि का नाम है। अब जैसे आपको गतिविधि के नाम से ही पता चल रहा है कि राधा के बगीचे में पौधे, यहाँ पर क्या है, राधा अपने बगीचे में कुछ पौधे लगाना चाहती है। आप सभी ने भी कभी ना कभी तो अपने बगीचे में, अपने खेत में या अपने घर में किसी ना किसी गमले में कोई ना कोई पौधा अवश्य लगाया होगा। तो चलिए बच्चों, आज हम राधा की बगीचे में पौधे लगाने में उसकी सहायता करते हैं। राधा के पास 12 पौधे हैं। वह उन्हें नीचे दिए गए बगीचे में लगाना चाहती है। आइए राधा की पौधे लगाने में सहायता करें। राधा क्या करना चाहती है? राधा अपने बगीचे में पौधे लगाना चाहती है। तो सभी बच्चों ने राधा की पौधे लगाने में सहायता करनी है कि वह किस किस प्रकार से इन 12 पौधों को अपने बगीचे में लगा सकती है। तो चलो देखते हैं राधा इन पौधों को अपने बगीचे में किस प्रकार लगाती है। यह राधा का बगीचा है। यहाँ पर राधा देखते हैं पौधे किस प्रकार लगाती है। राधा ने बगीचे में एक पौधा लगाया, उसी के साथ ही उसने दूसरा पौधा लगाया, फिर तीसरा पौधा लगाया, फिर चौथा पौधा लगाया। इस प्रकार राधा ने उसी पंक्ति में पांचवा पौधा भी लगा दिया, फिर उसने छठा पौधा लगाया, सातवां पौधा लगाया, फिर आठवां पौधा लगाया, फिर नौवां, फिर दसवां पौधा, फिर उसके बाद 11वां पौधा और उसके साथ उसने 12वां पौधा भी उसी पंक्ति में लगा दिया। तो यहाँ राधा ने क्या किया? राधा ने सभी 12 पौधे एक पंक्ति में लगा दिए, जैसा कि हमें इस चित्र में नजर आ रहा है। क्या बच्चों, राधा इन पौधों को किसी और प्रकार से भी अपने बगीचे में लगा सकती हैं? क्या आप सोच सकते हो कि और किस किस प्रकार से यह पौधे बगीचे में लगाए जा सकते हैं? यहां तो राधा ने क्या किया है, सभी पौधों को एक पंक्ति में लगाया है। अगर राधा इन पौधों को दो पंक्तियों में लगाती तो यह पौधे किस प्रकार लगते? आप सभी ने इसके बारे में सोचा? चलिए इसके बारे में मैं आपकी थोड़ी सहायता कर देता हूं। देखिए कि अगर राधा दो पंक्तियों में पौधे लगाती तो वह अपने बगीचे में पौधों को किस प्रकार से लगाती। यहां पर यह राधा का खेत दिखाया गया है। राधा ने क्या किया, पहले 6 पौधों को 1 2 3 4 5 6 6 पौधों को राधा ने क्या किया है, अपने बगीचे में लगा दिया है। तो ये जो पहली पंक्ति है, यहां पर 6 पौधे लगाए गए हैं।
इसी प्रकार राधा ने दूसरी पंक्ति में भी 6 पौधे लगा दिए। राधा ने दूसरी पंक्ति में भी 6 पौधे लगा दिए। यहाँ पर उसने दूसरी पंक्ति में भी 6 पौधे लगा दिए हैं। इस प्रकार राधा ने दो पंक्तियों में 6-6 पौधे लगाए और उसके 12 पौधे दोनों पंक्तियों में लग चुके हैं और उसके पास कोई भी पौधा शेष नहीं बचा। और यहाँ पर राधा ने जो पहली बार किया है वहाँ पर उसने एक पंक्ति में 12 पौधे लगा दिए हैं और उसके पास कोई भी पौधा शेष नहीं बचा। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा कि किस प्रकार से हम इन 12 पौधों को अलग अलग प्रकार से एक पंक्ति में, दो पंक्ति में लगा सकते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि क्या इन पौधों को हम और भी अलग अलग तरह से बगीचे में लगा सकते हैं? आपने सोचा? हाँ, इन पौधों को हम और भी अलग अलग प्रकार से बगीचे में लगा सकते हैं। तो आप सभी बच्चे अपनी कार्य पुस्तिका पर इन पौधों को अलग अलग प्रकार से लगाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए, राधा ने जिस प्रकार से पहली दफा एक पंक्ति में 12 पौधे लगाए थे, यह एक प्रकार से पौधों को हम बगीचे में लगा सकते हैं। और दूसरी बार राधा ने क्या किया? दूसरी बार राधा ने एक पंक्ति में 6 पौधे लगाए और दो पंक्तियों में उसने 12 पौधे लगा दिए। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि क्या हम इन पौधों को और भी अलग अलग प्रकार से बगीचे में लगा सकते हैं? तो हाँ बच्चों, इन पौधों को हम अलग अलग प्रकार से बगीचे में लगा सकते हैं। अगर राधा एक पंक्ति में 4 पौधे लगाए तो इस प्रकार वह 4-4 पौधों की 3 पंक्तियां बना सकती है और उसके सभी 12 पौधे बगीचे में लग जाते हैं, वह उसके पास कोई भी शेष पौधा नहीं बचता है। एक और तरीके से यह पौधे बगीचे में लगाए जा सकते हैं, अगर राधा एक पंक्ति में 3 पौधे लगाए तो इस प्रकार वह 3-3 पौधे 4 पंक्तियों में लगा सकती है। तो यहाँ पर राधा ने 4 पंक्तियों में 3-3 पौधे लगाए हैं और उसके सभी 12 पौधे लग चुके हैं और उसके पास कोई भी पौधा शेष नहीं बचा। पहली दफा क्या हुआ बच्चों? एक पंक्ति में राधा ने 12 पौधों को लगाया था और उसके पास कोई भी पौधा शेष नहीं बचा था। यहाँ पर एक पंक्ति में 6 पौधे लगाए गए हैं तो दो पंक्तियों में 12 पौधे लग चुके हैं। यहाँ पर राधा ने एक पंक्ति में 4 पौधे लगाए हैं और इस प्रकार उसके पास 4-4 पौधों की 3 पंक्तियां बन जाती हैं और उसके सभी 12 पौधे लग जाते हैं। अगर राधा एक पंक्ति में 2 पौधे लगाए तो इस प्रकार वह 2-2 पौधों की 6 पंक्तियां लगाती हैं। 6 पंक्तियों में 2-2 पौधे लगाए तो सभी 12 पौधे लग जाते हैं। एक तरीका और भी है। यहाँ पर राधा ने क्या किया है? एक पंक्ति में केवल एक ही पौधा लगाया है। यदि राधा एक पंक्ति में केवल एक ही पौधा लगाती है तो उसके पास 12 पंक्तियां बन जाती हैं और हर एक पंक्ति में एक पौधा लगाने के बाद 12 पंक्तियां बनती हैं और उसने सभी पौधे लगा दिए हैं। तो यहाँ पर हमने बच्चों क्या जाना कि हम 12 पौधों को अलग अलग प्रकार से बगीचे में लगा सकते हैं। हम एक पंक्ति में 12 पौधे लगा सकते हैं तो हमारे सभी 12 पौधे लग जाते हैं, या हम दो पंक्तियों में 6-6 पौधे लगाएं तो तब भी हमारे 12 पौधे लग जाते हैं।
या तीन तीन पौधों की चार पंक्तियां बनाएं, तब भी हमारे 12 पौधे लग जाते हैं। इसी प्रकार अगर चार पौधों की तीन पंक्तियां बनाई जाएं, तब भी सभी 12 पौधे बगीचे में लग जाएंगे। अगर हम पांच पांच पौधों की पंक्तियां बनाते हैं तो पांच पांच पौधों की दो पंक्तियां तो बन जाती हैं, परंतु हमारे पास दो पौधे शेष बच जाते हैं। इस प्रकार यह जो 12 पौधे हैं, यह बराबर पंक्तियों में नहीं लगाए जा सकते। परंतु यहाँ एक पंक्ति में दो पौधे लगाएं तो हमारे पास 6 पंक्तियां बन जाती हैं और हमारे सभी पौधे लग जाते हैं। और यदि एक पंक्ति में एक पौधा भी लगाया जाए, तब भी हमारे सभी 12 पौधे बगीचे में ठीक प्रकार से लग जाते हैं। तो अब बच्चों, आप इस गतिविधि के द्वारा अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि हम इन 12 पौधों को अलग अलग प्रकार से बगीचे में किस प्रकार लगा सकते हैं। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि हम 12 पौधों को अलग अलग प्रकार से किस तरह से बगीचे में लगा सकते हैं। आइए अब इस अवधारणा को अंकों के गुणनफल के द्वारा अच्छी प्रकार से समझते हैं। यह जो संख्या है 12, इन 12 पौधों की एक पंक्ति बनाई थी तो यह हमारे सभी 12 पौधे एक पंक्ति में लग गए थे। जब दूसरी बार हमने पौधों को लगाया तो वहां पर क्या किया गया था, वहां पर हमने एक पंक्ति में 6 पौधे लगाए थे और इस प्रकार हमारे पास 6-6 पौधों की दो पंक्तियां बनी थी। इसी प्रकार तीसरी बार हमने क्या किया था, तीसरी बार हमने एक पंक्ति में 4 पौधे लगाए थे और हमारे पास 4-4 पौधों की तीन पंक्तियां बनी थी, और 3 को जब 4 से गुना किया तब भी हमारे पास 12 ही आया था। अगली बार हमने क्या किया था कि एक पंक्ति में 4 पौधे लगाए थे और इस प्रकार 4-4 पौधों की तीन पंक्तियां बनी थी। उसके बाद जब हमने एक पंक्ति में 5 पौधे लगाने की कोशिश की तो हमारे सभी 12 पौधे पंक्ति में नहीं लगे थे, पंक्तियां पूरी नहीं बनी थी, 2 पौधे हमारे शेष बच गए थे। जब राधा ने एक पंक्ति में 2 पौधे लगाए तो वह सभी पौधे 6 पंक्तियों में लगे थे और इस प्रकार सभी 12 पौधे बगीचे में पूरे पूरे लग गए थे। अंतिम बार राधा ने क्या किया, एक पंक्ति में एक पौधा लगाया और इस प्रकार एक एक पौधे की 12 पंक्तियां बनी। क्या बच्चों आपने ध्यान दिया कि राधा ने एक पंक्ति में 12 पौधे लगाए, फिर उसके बाद उसने 6 पौधे लगाए, फिर उसके बाद उसने 4 पौधे लगाए, फिर 3 पौधे लगाए, फिर 2 पौधे लगाए और फिर एक पौधा लगाया। राधा ने एक पंक्ति में 11 पौधे क्यों नहीं लगाए, 10 पौधे क्यों नहीं लगाए, 9 पौधे क्यों नहीं लगाए, 8 पौधे क्यों नहीं लगाए, 7 पौधे क्यों नहीं लगाए, 5 पौधे क्यों नहीं लगाए? क्या यह प्रश्न आपके मन में नहीं उठता? राधा को एक पंक्ति में 11 पौधे तो लगाने चाहिए थे ना, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, चलिए इसका कारण जानते हैं। अगर राधा एक पंक्ति में 11 पौधे लगाती है तो सभी 12 पौधे उसके बगीचे में नहीं लगते हैं, एक पौधा शेष बच जाता है। तो इस प्रकार 11-11 पौधों की समान पंक्तियां नहीं बनती, इसलिए राधा ने एक पंक्ति में 11 पौधे नहीं लगाए। और अगर राधा एक पंक्ति में 10 पौधे लगाती है तब भी क्या होता है, उसके 2 पौधे शेष बच जाते हैं,
और तो उसके दो पौधे शेष बचते हैं और हर एक पंक्ति में 10-10 पौधे नहीं आते, इसलिए राधा ने एक पंक्ति में 10 पौधे नहीं लगाए। इसी प्रकार यदि वह 9 पौधे लगाती तो उसके 3 पौधे शेष बच जाते, तो इसलिए उसने 9-9 पौधे भी नहीं लगाए। अगर राधा एक पंक्ति में 8 पौधे लगाती तो उसके पास शेष 4 पौधे बच जाते, इसलिए राधा ने एक पंक्ति में 8 पौधे भी नहीं लगाए। परंतु अगर वह 7 पौधे लगाती तब भी 7 पौधों की एक पंक्ति तो बन जाती, परंतु दूसरी पंक्ति में 7 पौधे नहीं आते, उसके पास 5 शेष बचता, इसलिए उसने क्या किया कि एक पंक्ति में 7 पौधे नहीं लगाए। अगर राधा एक पंक्ति में 5-5 पौधे लगाते तो उसके पास 5-5 पौधों की दो पंक्तियां बन जाती और उसके 10 पौधे दो पंक्तियों में लग जाते, परंतु फिर भी दो पौधे उसके पास शेष बचते, इसलिए राधा ने हर एक पंक्ति में 5-5 पौधे नहीं लगाए। चलिए बच्चों, इस अवधारणा को एक विधि से और समझते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से कि राधा ने जो पौधे लगाए हैं वह सभी क्या थे, वह इस प्रकार थे कि यदि हम उन दोनों संख्याओं को गुणा करते तो वह हमारे पास 12 के बराबर आता था। तो यानी कि संख्याओं का जो गुणनफल है वह 12 के बराबर आता है। 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, 6 2 12 और 12 1 12। यह जो संख्याएं इन गोलों में दिखाई गई हैं, इन संख्याओं का गुणनफल 12 के बराबर आता है, इसलिए यह संख्याएं 12 के गुणनखंड कहलाते हैं और 12 इन संख्याओं का गुणज कहलाता है। 12 नीचे दी गई संख्याओं का गुणज कहलाता है और ये नीचे दी गई संख्याएं, सभी संख्याएं जो इन गोलों के अंदर दी गई हैं, यह सभी क्या कहलाती हैं? यह सभी 12 के गुणनखंड कहलाती हैं, ये सभी इसके गुणन खंड हैं। वैसे भी हम जान चुके हैं कि गुणनखंड दो शब्दों से मिला है, गुणन का मतलब है गुणा करना और खंड करना मतलब टुकड़े, कि 12 के ऐसे टुकड़े किए जाते हैं, कि ऐसे खंड किए जाते हैं, जब उनको दोबारा से आपस में गुणा करें तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। जिस प्रकार जब हमने यहाँ 1 को 12 से गुणा किया तो इन दोनों गुणनखंडों को गुणा करने के बाद हमें 12 संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब हमने 2 को 6 से गुणा किया, इन दोनों गुणनखंडों को गुणा करने पर हमें 12 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हमने 3 को 4 से गुणा किया, 3 और 4 को आपस में गुणा करने के बाद हमें वही संख्या पुनः प्राप्त होती है, तो इसलिए यह 3 और 4 12 के गुणनखंड है। इसी प्रकार 4 और 3 को जब आपस में गुणा करते हैं तब भी हमें गुणनफल 12 ही प्राप्त होता है। इस प्रकार यह 4 और 3 भी दी गई संख्या 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। यहाँ पर जब हमने 6 और 2 को आपस में गुणा किया तो गुणा करने के बाद गुणनफल हमें 12 के बराबर प्राप्त हुआ। इस प्रकार 6 और 2 भी 12 के ही गुणनखंड ही कहलाएंगे। जब 12 को 1 से गुणा किया तो हमारे पास जो गुणनफल आया वह 12 के बराबर आया और यह 12 और 1 भी इस 12 के क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। और 12 क्या है? इन सभी संख्याओं का गुणज है, इन सभी संख्याओं का गुणज है। अगर 1 को 12 से गुणा किया तो यह 12 के बराबर आया, तो यह 1 और 12 संख्या 12 के गुणनखंड है और 12 इन संख्याओं का गुणज है, इसीलिए
हमारे अध्याय का नाम मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। अब बच्चों इस अवधारणा को गुणनखंड की परिभाषा के द्वारा समझते हैं। जिन संख्याओं को आपस में गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होती है वे सब उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा कि 1 और 12 को गुणा करने पर पुनः हमें संख्या 12 ही प्राप्त होती है, इसलिए यह दोनों इस संख्या के गुणनखंड हैं। यहाँ पर अगले गोले में देखते हैं, यहाँ पर भी 2 और 6 को जब हमने गुणा किया तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि हमें 12 प्राप्त होता है। तो ये 2 और यह 6 भी संख्या 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। इसी प्रकार 3 और 4 भी संख्या 12 के गुणनखंड है, इसी प्रकार 4 और 3 और इसी प्रकार 6 और 2 और ऐसे ही 12 और 1 इस संख्या के गुणनखंड कहलाएंगे। और जब इन गुणनखंडों को प्राप्त करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह इनका नीचे दी गई संख्याओं का गुणज कहलाएगी। इस प्रकार हमने जाना कि 12 के गुणनखंड निम्नलिखित हो सकते हैं। 12 के गुणनखंड यहां से 1, 2, 3, 4, 6 और 12 हो सकते हैं। यहां पर कुछ संख्याएं दो बार लिखी गई हैं, क्योंकि अगर 1 को 12 से गुना करें या 12 को 1 से गुना करें तो हमारे पास गुणनफल 12 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने जब 12 के गुणनखंड लिखे हैं तो इन संख्याओं को दोबारा से नहीं लिखा है, एक संख्या को केवल एक ही बार लिखा गया है। तो इस प्रकार 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 होते हैं। किसी भी संख्या के गुणनखंड उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करते हैं और पीछे कोई शेष नहीं बचता। बच्चों यह जो अभ्यास कार्य के सवाल हैं यह हमारी पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। यहाँ हमारा यह जो सवाल है अभ्यास कार्य दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। इधर दिए गए ग्रिड में 20 खानों की आयत बनाई गई है। अगर आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखो तो यहाँ पर हमें एक आयत को हरे रंग से रंगा गया है। इस आयत में 20 खानों को रंगा गया है। इनको आप गिन भी सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 इस पंक्ति में है और 10 इसमें, 10 और 10 20। तो यहाँ पर यह जो आयत है 20 खानों से बनाई गई है। आगे हमें दिया गया है इस आयत की चौड़ाई 2 खानों के बराबर है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमें पता लगता है कि इसकी जो चौड़ाई है वह 2 खानों के बराबर है, एक यह खाना और दूसरा यह। यहाँ खाना मतलब बॉक्सेज है, यह जो बॉक्स बने हैं इन बॉक्सेज को हम खाना बोलते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वह 2 वर्ग या 2 खानों या 2 बॉक्स के बराबर दी गई है। इसकी लंबाई कितनी है, अब हमें इसकी लंबाई बतानी है। हमने अभी इसकी लंबाई को नापा था, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 10 खानों के बराबर। दोबारा से फिर इसको जांच लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसकी जो लंबाई है 10 खानों के बराबर। लंबाई कितनी है इसकी, 10 खाने। तो यहाँ पर हम इसकी लंबाई लिख देंगे, लंबाई 10 खाने या बॉक्सेज या वर्ग, हम इसको बॉक्सेज भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला सवाल है 20 खानों से अलग तरह से बनी एक आयत को रंगो। अब हमें क्या करना है कि 20 खानों से एक और नई आयत
बनानी है और उसको रंगना है। तो बच्चों जल्दी से यहाँ पर एक 20 खानों की आयत बनाते हैं। यह हमने एक 20 खानों की आयत बना ली है और इसमें हमने गुलाबी रंग भर दिया है। तुमने जो आयत रंगी उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? इस आयत की लंबाई एक बॉक्स के बराबर है या एक खाने के बराबर है और इसकी चौड़ाई कितनी है? 20। यह 20 खानों के बराबर है। इसको गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस आयत की लंबाई है 20 खानों के बराबर। और इस आयत की चौड़ाई है एक खाने के बराबर। यह जो पहली आयत है इसको हम 2 × 10 लिख सकते हैं और ये जो आयत है इसको हम 1 × 20 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी गुना करने के बाद 20 खाने प्राप्त होते हैं, इसको भी गुना करने के बाद हमें 20 खाने ही प्राप्त होते हैं। इसी अभ्यास का अगला सवाल देखते हैं। तुम 20 खानों की आयत को कितने तरीकों से रंग सकते हो? उन सबको ग्रिड में रंगो और रंगे हुए हर आयत की लंबाई और चौड़ाई को लिखो। चलिए बच्चों बनाते हैं, आप भी अपनी कॉपी में से ड्रा कीजिए और उसमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर रंग भरिए। मैं भी इस आयत को आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। तो यह पहली आयत है जिसमें हमने चौड़ाई 4 ली है और लंबाई 1, 2, 3, 4, 5 ली है। इस आयत की जो चौड़ाई है वह 4 खानों के बराबर है और इसकी जो लंबाई है वह 5 खानों के बराबर है। इस आयत में इसकी जो लंबाई है वह 1, 2, 3, 4, 5 है और चौड़ाई है 4, 1, 2, 3, 4। यह 4 खानों के बराबर है। अगली आयत और जल्दी से बना लेते हैं। इस आयत में इसकी लंबाई हमने 10 ली है और इसकी चौड़ाई 2 ली है। तो यह आयत पहले भी हरे रंग से बनी है परंतु इस बार हमने इसे अलग प्रकार से बनाया है। यह दोनों आयत भी एक ही जैसी हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है? इस आयत की चौड़ाई है 4 खाने और लंबाई है 1, 2, 3, 4, 5 खानों के बराबर, 5 खाने। इसी प्रकार इस आयत को देखते हैं, इस आयत की चौड़ाई है 1, 2, 3, 4, चौड़ाई है 4 खानों के बराबर और इसकी लंबाई है 5 खानों के बराबर। इसी प्रकार इस आयत को देखते हैं, इसकी चौड़ाई है 1, 2, 2 खाने और लंबाई है 10 खाने। तो बच्चों इस आयत के माध्यम से भी हमने क्या जाना है? हमने 20 के गुणनखंडों के बारे में जाना है। इन आयतों के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि हम 20 को किस प्रकार से 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर 20 खानों को 2 × 10 के रूप में लिखा गया है। दूसरी बार यहाँ पर इन 20 खानों को 1 × 20 के रूप में लिखा गया है। तीसरी बार यहाँ पर इन 20 खानों को 4 × 5 के रूप में लिखा गया है और अगली बार 5 × 4 के रूप में लिखा गया है और यहाँ पर 2 × 10 के रूप में लिखा गया है। तो इस प्रकार जो 20 है उसको हम
दो गुना दस, एक गुना बीस, चार गुना पांच, पांच गुना चार, या दस गुना दो के रूप में लिख सकते हैं। हर बार गुणनफल हमें 20 ही प्राप्त होगा। दो को 10 से गुना करेंगे, दो दहा 20, गुणनफल 20 आएगा। एक को 20 से गुना करेंगे तो 20 को एक से गुना करने के बाद 20 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार चार और पांच को गुना करेंगे, चार पंजा 20, पांच और चार को गुना करेंगे, पांच चौका 20, 10 और दो को गुना करेंगे, 10 दूना 20। तो इस प्रकार हम अलग अलग प्रकार की आयतें बनाकर भी किसी दी हुई संख्या के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर 20 के गुणनखंड बराबर एक, दो, चार, पांच, 10 और 20 होंगे। इस प्रकार हमने ग्रिड में विभिन्न प्रकार की आयत बनाकर भी दी हुई संख्या के गुणनखंड ज्ञात किए हैं। अब बच्चों, आप गुणनखंड की अवधारणा को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगले भाग में हम गुणनखंडों से संबंधित कुछ सवाल करेंगे। उन सवालों को करते हुए आप गुणनखंडों के बारे में और अच्छी प्रकार से जान पाओगे। इस भाग में बच्चों हम दी गई संख्या के गुणनखंड इंद्रधनुष चार्ट विधि या रेनबो चार्ट के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों, एक संख्या लेते हैं और वह संख्या है 24। 24 के हम जो गुणनखंड है वह इंद्रधनुष चार्ट विधि या रेनबो चार्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं। आपने इंद्रधनुष तो देखा होगा ना, जब कभी भी वर्षा होती है तो वर्षा के बाद आसमान में सुंदर सा इंद्रधनुष नजर आता है। और इंद्रधनुष में जानते हो आप उसकी आकृति कैसी होती है? उसकी आकृति अर्धवृत्ताकार होती है और इंद्रधनुष में सात रंग भी होते हैं। क्या आपको इंद्रधनुष के सभी सात रंगों के नाम याद हैं? अगर आपको याद हैं तो अपनी कॉपी पर लिखिए। तो चलिए बच्चों, जो 24 है उसके गुणनखंड इंद्रधनुष चार्ट विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। इंद्रधनुष में पहला रंग लाल होता है ना, तो इस 24 को हम एक से शुरू करेंगे। इसके इस कोने पर हम संख्या लिखेंगे एक, क्योंकि हम जानते हैं, हमने जो पिछला भाग है वहां पर पढ़ा है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड एक होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। जब हम एक से 24 को विभाजित करेंगे तो हमारे पास जो भागफल है वह 24 ही आएगा। तो इस प्रकार यह जो 24 है, एक और 24 इस संख्या के गुणनखंड होंगे। उसके बाद हम अगली आर्क लगाते हैं, जो उससे अगला रंग है वो ऑरेंज और येलो होता है। तो उससे अगली एक के बाद जो संख्या है वह दो आएगी। तो जो दो संख्या है वह 24 को विभाजित करती है। हाँ, यह 24 को पूरा पूरा विभाजित कर देती है और विभाजित करने के बाद जो भागफल आता है वह 12 आता है। तो इस प्रकार 1, 2, 12 और 24 इस संख्या के गुणनखंड बन गए हैं। अब हम अगली आर्क लगाते हैं। जब हम अगली आर्क लगाएंगे उसका रंग ग्रीन या ब्लू रहेगा। तो अब हम अगली संख्या लेंगे 3। क्या 3 24 को विभाजित करता है? हाँ, 3 24 को विभाजित करता है। 3 8 24 होते हैं और इसके दूसरे जो सिरा है वहां पर हम 8 लिख देंगे, 3 8 24। इस प्रकार इस संख्या के 1 2 3 और यहाँ पर 8 12 और 24 यह गुणनखंड बन चुके हैं। अब हम अगली आर्क लेंगे। इसके बाद जो अगली आर्क है यह कितनी है? वह आएगी 4। क्या 4 इस संख्या को विभाजित करता है? हाँ, 4 इस संख्या को विभाजित करता है। कितने पे करता है? 6 पे, 4 छीके
24, हाँ तो ये 24 विभाजित हो जाता है। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 यह इस संख्या के गुणनखंड हैं, और 5, क्योंकि 5 24 को पूरा पूरा विभाजित नहीं करता है, हमारे पास शेष बचता है और इसको हम भाग करके देख भी सकते हैं। तो ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तीय 15, 5 चौका 20, ये 20 आएगा, और जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास 4 शेष बचेगा। जब 4 शेषफल बच जाता है तो यह इस संख्या का गुणनखंड नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 के बाद 5 को छोड़ दिया है। 6 यहाँ पर पहले अपने आप ही आ चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 को नहीं लिखा है। 6 भी इसको पूरा विभाजित कर देता है। उसके बाद आता है 7, 7 24 को विभाजित नहीं करता है, इसलिए 7 इस संख्या का गुणनखंड नहीं होगा। फिर उसके बाद 8, 8 विभाजित करता है, 8 या 24। 8 के बाद 9, 10 और 11 आता है, इनको भी अगर हम भाग करके देखें 24 को इन संख्याओं से, तो ये 9, 10 और 11 24 को पूरा पूरा विभाजित नहीं करते हैं, हमारे पास हर अवस्था में शेष बचता है, इसलिए 9, 10 और 11 इसके गुणनखंड नहीं है, परंतु 12 है, 12 दूनी 24 होगा। और जो बीच की संख्याएं बच जाती हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, अगर इन संख्याओं से 24 को भाग करें तो यह इसको पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगा, हर अवस्था में कोई ना कोई शेष अवश्य बचेगा, इसलिए ये संख्याएं 24 से गुणनखंड नहीं है। और 24 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, वह संख्या स्वयं होती है, इसलिए यह क्या है, इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमने 24 के सभी गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। तो 24 के जो गुणनखंड हैं वह होंगे 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा, 6, 7 नहीं आएगा, 8, 12 और 24। तो यह 24 के सभी गुणनखंड आ चुके हैं। तो हमने बच्चों इस भाग में दी गई संख्या के इंद्रधनुष विधि रेनबो चार्ट के द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना सीखा है। इस भाग में बच्चों हम गुणनखंड पेड़ के माध्यम से दी गई संख्या के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। आप इस गुणनखंड पेड़ को ध्यान से देखें। अब क्या तुम इस तरह का एक और पेड़ बना सकते हैं? तो सबसे पहले बच्चों इस गुणनखंड पेड़ को समझते हैं। यह 18 है, इस संख्या का हमें गुणनखंड पेड़ बनाना है। इस 18 के 2 गुणनखंड लिखने हैं, जिनको गुणा करने पर जो गुणनफल है वह 18 आए, तो वह है 9 और 2। जब 9 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल कितना आएगा, 18 के बराबर आएगा। फिर इस 2 के आगे गुणनखंड नहीं हो सकते, क्योंकि 2 केवल अपने आप से ही विभाजित होता है या 1 से विभाजित होता है, इसलिए इसके आगे गुणनखंड नहीं हो सकते। परंतु यह जो 9 लिखा गया है, इस 9 को हम 2 संख्याओं 3 और 3 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, 3 तिया 9 के बराबर आएगा। 3 के हम और अधिक गुणनखंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 3 1 से या स्वयं अपने आप से ही विभाजित होता है। तो यह हमारे पास 18 का गुणनखंड पेड़ है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या 18 का किसी और विधि से भी हम गुणनखंड पेड़ बना सकते हैं? हाँ, हो सकता है, अगर हम इसको 6 और 3 के रूप में लिख सकते हैं, 6 तिया 18, और 6 के भी 2 आगे हिस्से हो सकते हैं, 2 और 3, 2 तिया 6। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, 6 तिया 18 और 2 तिया 6। अगला हमारा जो अभ्यास का सवाल है उसमें है, तुम 24 का गुणनखंड
पेड़ कितने तरीकों से बना सकते हैं, उनमें से तीन को नीचे बनाओ। तो अब आपने जो 24 है उसका आप गुणनखंड पेड़ किस प्रकार बना सकते हैं, वह हमने यहाँ पर नीचे बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेड़ बनाने से पहले एक सर्कल बना लेंगे और एक यहाँ पर बना लेंगे। तो अब 24 को हम दो टुकड़ों के रूप में कैसे लिख सकते हैं, एक तो यहाँ पर हम दो लिख सकते हैं और दूसरा फिर क्या आएगा, 12 आएगा। फिर 12 के दो हिस्से कैसे कर सकते हैं, 12 का एक हिस्सा तो दो हो जाएगा और दूसरा 2 छीके 12 हो जाएंगे। फिर ये 6 को भी हम लिख सकते हैं दो हिस्सों में, तो वह 2 और 3 हो जाएगा। तो यह हमारा 24 का गुणनखंड पेड़ बन चुका है। जब इनको हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें यह जो पहली संख्या है वह गुणनफल के रूप में प्राप्त होगी। अगर 12 और 2 को गुणा करेंगे तो 24 आएगा। इसी प्रकार 6 और 2 को गुणा करेंगे तो पहली संख्या 12 प्राप्त होगी, और जब 3 और 6 को गुणा करेंगे तो हमें 3 और 2 को गुणा करेंगे तो हमें पहली संख्या 6 प्राप्त होगी। अब हम इस 24 को अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम इसको अब हमने पहले इसको 2 और 12 के रूप में लिखा था, अब इसको हम 3 और 8 के रूप में लिख सकते हैं। 3 8 24, फिर 8 के 2 टुकड़े बन जाएंगे। एक टुकड़ा बन जाएगा 2 और दूसरा 4, 2 चौके 8। फिर इस 4 के भी 2 हिस्से हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, 2 दूना 4। तो यह हमारा 24 का दूसरे प्रकार का पेड़ है। तो हमने 24 के दो गुणनखंड पेड़ बनाए हैं। तो अब देखना है तीसरा, क्या हम तीसरा भी बना सकते हैं? तो बनाया जा सकता है अगर हम इसके और अलग प्रकार से गुणनखंड कर दें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 और 6 लिख देते हैं। 4 छक्का 24, 4 और 6 की गुना 24 आएगी। फिर इस 4 के भी 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 2 हो जाएगा 2, और दूसरा भी क्या होगा, 2, 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4 आएगा। इसी प्रकार 6, जब 6 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा 2, तो यह है इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने 24 के गुणनखंड कर लिए हैं। यह हमने 3 प्रकार से गुणनखंड पेड़ को बनाया है। बच्चों आज हमने गुणनखंड के बारे में जाना। आशा करता हूँ सभी बच्चों को यह अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। बच्चों आपकी जो गणित की पाठ्य पुस्तक है आपने यह अभ्यास कार्य है उसमें भी करना है, और आपने कार्य पुस्तिका पे भी यह सवाल ठीक प्रकार से करने हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।